यशोदा माता यहाँ दूध चलाती थी, यशोदा माता यही दूध चलाती थी, ये ऊपर के निचान है, ऊपर रही लगती थी उसमें, रही होती है ना, रही चलाते हैं, ऊपर रही लगती थी, नीचे माट रहता था, यशोदा माता यहाँ दूध चलाती थी। अच्छा, ये भगवान का प्राचीन झूला का जगह है, यहाँ भगवान का सवा मन सोने का ठाकुर जी का झूला पड़ता था, सवा मन सोने का झूला, हाँ यही पड़ता था ठाकुर जी का। भगवान यहाँ बैठ के गोपी ग्वालों के साथ छोटे से खेला करते थे, बोलते हैं माखन चोर गली, भगवान माखन चुरा के आते थे, दुबक्के यहाँ बैठ के खाते थे। अच्छा, तो इसको माखन चोर गली बोलते हैं। यहीं पे बैठते थे भगवान? हाँ, यही वही जगह है, भगवान यहाँ बैठ के माखन चुरा के। अच्छा, कृष्ण भगवान यहीं पे बैठते थे जी। हम मथुरा के उस जगह पर हैं जहाँ वसुदेव भगवान भगवान श्री कृष्ण को चुरा कर लाए थे। हमारे साथ कन्हैया पाठक जी हैं, वो इस जगह को बताएंगे। और शायद ही आपने अब तक इतने विस्तार से कन्हैया को चुरा कर लाने वाली जगह को देखा होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हाँ। आप लोग ये सामने देख रहे हैं। हाँ। इसी रास्ते से वसुदेव जी भगवान को मथुरा से चोरी करके लाए। हाँ। सामने जमुना का चोर घाट वासुदेव घाट है। हाँ। और यहाँ भगवान के घर में छुपाया नंद भवन में। हाँ। यहीं से योग माया को ले गए। हाँ। ये वही स्थान है। हाँ। आप लोग जो पहली पिक्चर देख रहे हैं यमुना जी की है। हाँ। गोकुल की भूमि पे यमुना जी ने एक पैर से खड़े होकर 60,000 वर्ष तपस्या किया। कौन दिन आएगा, कौन दिन भगवान का मैं चरण छीऊंगी। कारण था, यमुना जी में कालिया नाग रहता था ना, कोई लोग पान स्नान नहीं करता था। यमुना जी को पीड़ा हुई, मेरी बहन गंगा है, पूजनीय है, लेकिन मुझ में कोई स्नान और पान नहीं करता है। भगवान तपस्या से प्रसन्न हुए, वरदान दिया, द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लेके आऊंगा, सबसे पहले आप मेरा चरण छीओगी तो आप मेरी पटरानी कहलाओगी। वसुदेव जी जब भगवान को लेके आए तो मुख तक पानी आया है। वसुदेव जी ने पुकार किया है, हे गोकुलवासियों, मैं तो डूबता हूँ, मेरी कोई पुकार सुनता हो तो मेरे लाला को कोई लो, कोई लो, कोई लो। यमुना के ओ पार में उसी नाव से कोयला गांव बसा है, आज भी कोयला गांव यमुना के ओ पार है। भगवान ने पैर को लटकाया, पीछे से यमुना जी ने चरण छुआ, चरण छुई उतरी जमने महाराणी और घोटू घोटू हो गया पानी। चरण छू के यमुना जी ने रास्ता दे दिया, यहाँ भगवान के घर में छुपाया, यहाँ से योग माया को ले गए जो नंद जी की कन्या थी। इसी स्वरूप से वसुदेव जी भगवान को लेके आए थे। अच्छा, यही बात। ये पारस पीपल का झाड़ है, भगवान जब गऊ चरा के आते थे तो इस वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। ये वृक्ष तो प्राचीन नहीं है, जगह प्राचीन है, इसका जड़ प्राचीन है। वृक्ष सूख जाता है, पुनः इसमें से अपने आप दोबारा निकल के आता है। ये सूखा हुआ दिख रहा है आपको? हाँ। और उसमें से दोबारा पुनः अपने आप निकल के आ रहा है। ये पारस है, पारस पीपल, जिससे कार्तिक के महीने में 5 कलर का फूल आता है इस पे। अच्छा, ये पारस जिससे सोना छूने नहीं, वो नहीं है। अच्छा, इसका पीपल का नाम पारस पीपल। अच्छा, पारस पीपल जी, ये उस समय का ही है। हाँ, वृक्ष। ये शंकर तपोभूमि है, जैसे आप लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आए ना, उसी प्रकार यहाँ 33 कोटि देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। यशोदा माता ने सबको दर्शन कराया, शंकर जी को दर्शन नहीं कराया, रूप विकराल था। कारण क्या था, 6 दिन के भगवान हुए थे ना, पुतना आ गई थी, कंस के भेजे हुए मायावी राक्षस आए, अकासुर बकासुर वक्षासुर कागासुर दहनकासुर, मन में शंका हुई कहीं कंस का भेजे हुए कोई मायावी राक्षस तो नहीं, तो मना कर दिया। और इसी भूमि पर बैठ के शंकर जी ने 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया यहीं पर। हाँ, तो इस भूमि को शंकर तपोभूमि बोलते हैं। जब यहाँ शंकर जी को 3 दिन 3 रात्रि हुआ, भगवान मन में विचार करने लगे कहीं ऐसा ना हो शंकर दादा नाराज हो जाए, तो रूठ गए, खेलने के लिए चंद्रमा मांगने लगे। यशोदा माता ने जो खेलने का वस्तु था दिया, भगवान चुप नहीं हुए, जोर जोर से रोने लगे। जब गोपी ग्वालों ने बोला जो 3 दिन से द्वारे पे जोगी बैठा है उसकी जटा में चंद्रमा का आकृति है, कहीं उसने जादू टोना तो नहीं किया, शंकर जी को अंदर बुलाया, सोने की थाली में जल लिया, शंकर जी का प्रतिबिंब उस जल में पड़ा, यशोदा माता भगवान को गोदी में लेके आई और चंद्रमा का दर्शन कराया, तो शंकर जी को भगवान का दर्शन हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यही 84 खंभे है,
बोले तो 84 जाते हैं लेकिन काउंटिंग गिनती में आज भी नहीं आते। आप लोग गिनेंगे घटेगा या बढ़ेगा। औरंगजेब भी इसको नहीं गिरा पाया, आक्रमण तो किया, खंडित भी किया लेकिन गिरा नहीं पाया। भगवान ने चमत्कार दिखाया, हीरा देके वापस गया, बलराम जी की थोड़ी में लगाए औरंगजेब का दिया हुआ हीरा। ये सब भगवान की रास करने की जगह थी, ये रास का चिन्ह था, इसमें गोपी ग्वालों की मूर्ति लगी हुई थी। भगवान माखन चुरा के खाते थे, खम्भों से पूछते थे। अभी आप लोग अंदर जाएंगे, खम्भे चिकने मिलेंगे आप। दूध चलाने की जगह यशोदा माता की, नीचे माट रहता था, ऊपर रही लगती थी। चार घंटी सोने की इस खम्भे से बसती थी और चार घंटी खोने की इस खम्भे से बसती थी। और सोना चांदी तो मुगल लोग ले गए, लेकिन ये घंटियों के निशान अभी भी बाकी है। यशोदा माता यहाँ दूध चलाती थी, यशोदा माता यही दूध चलाती थी, ये ऊपर के निशान है। ऊपर रही लगती थी, उसमें रही होती है ना, रही चलाते हैं, ऊपर रही लगती थी, नीचे माट रहता था, यशोदा माता यहाँ दूध चलाती थी। अच्छा, ये भगवान का प्राचीन झूला का जगह है। यहाँ भगवान का सवा मन सोने का ठाकुर जी का झूला पड़ता था, सवा मन सोने का झूला, हाँ यही पड़ता था ठाकुर जी का। हाँ। ये आप लोग चिन्ह देख रहे हो। हाँ। इसमें मड़िया हीरा जवाहरात लगे रहते थे। हाँ। ये स्टैंड बने दीपक के। हाँ। इसपे दीपक रहता था। हाँ। और रोशनी उसपे ऊपर पहुंचती थी। हाँ। तो नीचे प्रकाश आता था। हाँ। यही भगवान को जुलाती थी, यहाँ दूध चलाती थी और यही से भगवान को यशोदा माता जुलाती थी। नहीं नहीं, ये एक बार फिर से बताइए, यहाँ दीपक रहता था, ये चारों कोने पे दीपक रहता था, चार कोने। अच्छा, और उनमें सब में हीरा जवाहरात मणि लगी रहती थी। हाँ। और फॉक्स उससे पड़ता था, उसका फॉक्स नीचे आता था। हाँ। भगवान यहाँ पाले में झूलते थे। देखो भैया, अच्छा, ये भगवान का दर्शन है। गोरे गोरे नंद बाबा हैं, गोरी गोरी यशोदा जी है, बीच में भगवान के बड़े भाई बलराम जी है। ये स्वयं धरती से उत्पन्न है, धरणीधर सच्चा देव है। हाथ में माखन मिश्री का गिलास है, सिर के ऊपर सात फन का शेषनाग है। शेषनाग अवतार रामा अवतार में लक्ष्मण थे और कृष्णा अवतार में भगवान के बड़े भाई बलराम जी बने। थोड़ी में औरंगजेब का दिया हुआ हीरा का कड़ी है और झूला में भगवान कृष्ण है। मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुरार, भक्तों के इत्कार। यहाँ भगवान का झूला करने से मनसा वाचा कर्मणा दोष अपराध दूर होता है। घर में पुत्र नाती पोता का झूला झूलता है, मंगल कार्य होता है, इसीलिए दुनिया यहाँ आती है भगवान को झुलाने के लिए। अच्छा। अब दो कदम यहाँ बैठ के आपको थोड़ा क्रॉल चलना पड़ेगा। 60 वर्ष का बुड्ढा और 5 वर्ष का बालक यहाँ एक मन होता है। यहाँ कृष्ण बलराम दोनों भाई घोटों से चले हैं। हाँ। तो दो कदम यहाँ घोटों से चलना पड़ता है, मुख से बोलना पड़ता है पापा पहिया चले कन्हैया, ऐसे पापा पहिया चले कन्हैया, पापा पहिया चले कन्हैया। अभी ये लोग झूला झुला लें, उसके बाद हम झूला झुलाएंगे। ये एक महाराज, एक ये जो हीरा लगा है बलराम जी है, वो बलराम जी है, भगवान की पे हीरा लगा। हाँ, ये औरंगजेब का हीरा है, औरंगजेब का दिया हुआ हीरा है। हाँ। ये प्रतिमा बलराम जी की स्वयं धरती से उत्पन्न है। अच्छा। हाँ जी। तो औरंगजेब ने क्यों हीरा दिया था? इसको खंडित करने आया था, 84 खम्भे को गिराने आया था। खंडित तो किया है, इसमें प्रत्येक खम्भा आपको खंडित मिलेगा। किसी खम्भे को चीर के भी देखा है, बीच में सब में हीरा जवाहरात जड़े थे, सबको ले गए मुगल लोग, लेकिन गिरा नहीं पाया। गिरा नहीं पाया तो उसको चमत्कार लगा, तो उसने ठाकुर जी को हीरा अर्पण किया बलराम। अच्छा जी। आइए बैठिए और बैठ के ठाकुर जी को झुलाइए।
मुख से बोलिए गोकुल आए भगवान कृष्ण भगवान झूला झुलाए झूला झुलाए हमारी यात्रा सफल करना। हंसो थोड़ा एक बार, यहाँ हंसी खुशी रहने से परिवार हंसी खुशी रहता है, इसलिए यार बंदे को हम हंसाते हैं। थोड़ा प्रसाद है भगवान का, ये खाओ ठाकुर जी के आगे, तुम भी जुलाओ भगवान को, साथ खाओ, जुला लीजिए भैया को भी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। थोड़ी देर के लिए खुलते हैं ठाकुर जी, फिर बंद होते हैं, बार बार भोग आता है भगवान का, यहाँ बाल भाव का दर्शन है ना, हर 10 मिनट में 5 मिनट में भोग लगता रहता है भगवान। अच्छा, पर्दा लगता रहता है। अच्छा, हर 10-5 मिनट में पर्दा लग जाता है। बिल्कुल, देखो ये भी सब भगवान का रास का जो हमारे भगवान ने अवतार लिए है, भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उसमें वो अवतारों के चिन्ह थे, कहीं नरसिंह भगवान है, कहीं परशुराम है, कहीं ये सब खंडित किया है। ये मोहिनी स्वरूप है भगवान ने, समुद्र मंथन हुआ था ना, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, वही मोहिनी स्वरूप है ठाकुर जी का, ये सब खंडित है। बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, खम्भे को काट के भी देखा है, कहीं इसमें अंदर तो सोना चांदी नहीं भरा है। अच्छा, औरंगजेब ने इस खम्भे को काट दिया था। काट के भी देखा है, कहीं इसमें अंदर तो नहीं, बाहर तो उनको मिला था, वो तो ले लिया, मन में शंका हुई कहीं अंदर तो नहीं छुपा रखा है, तो इसको काट के भी देखा। अच्छा, ये छठी पूजन है भगवान का, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में 6 दिन का बच्चा होता है ना तो उसको शुद्धिकरण करते हैं, छठी पूजन करते हैं, वही कृष्ण बलराम का यहाँ छठी पूजन हुआ है, ये छठी पूजन का स्थान है। अच्छा, यहीं पर हुआ था। हाँ, कृष्ण बलराम दोनों भाइयों का छठी पूजन हुआ, मथुरा में भगवान का जन्म हुआ और गोकुल में भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म यहाँ रोहिणी के गर्भ से हुआ। कृष्ण जन्म लेके आए, नंद जी के यहाँ 2 पुत्र हुए, उत्सव हुआ, नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, आती घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, वो आज भी यहाँ बनता है। अच्छा, यहाँ कृष्ण बलराम दोनों भाई 7 बरस 52 दिन गोकुल में बाल लीला किया। अच्छा, ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी खाया, रमला रेती में लेट लगाया, उखली से हाथ बांधा, यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार किया, ये भगवान की बाल लीला की भूमि है। लगभग 6,000 वर्ष पहले भगवान, 5,500 वर्ष पहले, 5,500 वर्ष पहले जी यहाँ पर भगवान ने बाल लीला की। बाल लीला, आप बता रहे थे खंबे चिकने हैं। हाँ, देखो ना, हाथ लगा के आपको खंबे चिकने मिलेंगे। हाँ, ये 4 खम्मा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लाके लगाया, 80 खम्मा विश्वकर्मा लगाया, 4 खम्मा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लाके लगाए। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, वो समुद्र मंथन की रस्सी का निशान है, ब्रह्मा जी का मुख है, अमृत का घड़ा है, इसको लोग ओम कह के गले लगाते हैं। ये त्रेता है, भगवान श्री राम थे सूर्यवंशी, वो सूर्यमा का आकृति है, ब्रह्मा जी का मुख है, अमृत का घड़ा है, और ये राम जी का तिलक है, इसको सीताराम कह के गले लगाते हैं। ये द्वापर है, भगवान श्री कृष्ण कृष्ण अवतार थे, चंद्रवंशी थे, वो चंद्रमा का आकृति, ब्रह्मा का मुख, अमृत घड़ा, और ये मोर पंख धारण किया है ठाकुर जी ने सिर पे, वही मोर पंख का निशान है, इसको राधे श्याम कह के गले लगाते हैं। ये अभी कलयुग है, इसमें अवतार नहीं, सिंपल है। हाँ, बोलो श्री कृष्ण भगवान की, कलयुग का खंभा है। हाँ, अभी ये सिंपल है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, अवतार नहीं। यहाँ गोपियों के साथ ठाकुर जी रास लीला करते थे, छोटी छोटी गोपी, छोटो छोटो ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल, कोई रास करने की जगह भगवान यहाँ बैठ के गोपी ग्वालों के साथ छोटे से खेला करते थे। अच्छा, ये रास मंडल है। अच्छा, आइए दर्शन, और इसको बोलते हैं माखन चोर गली, भगवान माखन चुरा के आते थे, दुबक्के यहाँ बैठ के खाते थे। अच्छा, तो इसको माखन चोर गली बोलते हैं। तो थोड़ा ताली बजाओ, मुख से बोलो कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, कृष्ण माखन चोर, ये माखन चोर है, भगवान यहाँ बैठ के माखन चुरा के खाया करते थे।
यहीं पे बैठते थे भगवान? हाँ, यही वही जगह है भगवान के बैठ के माखन चुरा के। अच्छा, कृष्ण भगवान यहीं पे बैठते थे जी। तुम्हारी वीडियो ही ना यूट्यूब पे, वो तो गाइड ने है ये आप दोनों चिन्हों के निशान देख रहे हैं, देखो उधर भी और इधर भी। इसको हमारे यहाँ ब्रज भाषा में बोलते हैं हवा। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा उद्यम करता है ना, या घर से बाहर निकल के भागता है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं ब्रज भाषा में लाला बाहर मत जाइयो, बाहर हवा बैठो है। तो हवाओं का निशान है, इनको देख के यशोदा माता भगवान को डराती थी कि लाला बाहर नहीं जाना, बाहर हवा बैठा है। यह 2.5 कोस के बीच में नंद जी का किला था, अब तो ये खाली अवशेष बचा है, बाकी सब मुगलों ने खंड बंड कर दिया। 2.5 कोस का मतलब होता है 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर के अंदर में नंद भवन था। गोकुल यमुना आप लोग बैराज पार किया ना, मथुरा से आए यमुना जी का बैराज पार किया जी, जी। वहां से गोकुल चालू होता है, हाँ। वहां पे भी गोकुल है, उसको हाँ। नया गोकुल बोलते हैं, हाँ। श्रीमद गोकुल, हाँ। तो आज से 550 वर्ष पहले बल्लवाचार्य जी ने उसका स्थापना किया, हाँ। जब यहाँ मुगल साम्राज्य था, बल्लभ कुली संप्रदाय के आचार्य हुए बल्लवाचार्य जी, वो यहाँ आए तो उनको यहाँ जगह नहीं दी, रुकने नहीं दिया, तो यमुना किनारे 250 एकड़ भूमि में उन्होंने अपनी स्थापना की गोकुलनाथ जी की। वहाँ गोकुलनाथ जी का मंदिर है, वहाँ स्थापना की, तपस्या की, तो वहीं से गोकुल चालू होता है। और यहाँ से आगे पड़ता है चिंतारण घाट, अभी आप लोग जाएंगे ब्रह्मांड घाट, या भगवान मिट्टी खाया, विश्वरूप ब्रह्मांड का दर्शन कराया, भगवान गौ चराने के लिए गए, भगवान ने बाल लीला किया, छोटो सो माटी को डेलो तुरंत से हमने मुख में मिलो, गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई। ग्वाल वालों ने यशोदा माता से बोला तेरा लाला तो मिट्टी खाता है, मना किया यशोदा जी ने, मेरे यहाँ 9.5 लाख गाय है, माखन का कमी नहीं है, मेरा लाला माखन खाता है, मिट्टी क्यों खाएगा। भगवान से पूछा, भगवान ने मुंह को हिला दिया, बोले इसका मुख फाड़ के दिखला, जब मुख फाड़ के दिखलाया है तो उसमें 3 लोग 14 भवन अखल ब्रह्मांड का दर्शन कराया, इसलिए उस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट हुआ। वहाँ आज भी मिट्टी का प्रसाद मिलता है, आप लोग जाएंगे देखेंगे, वहाँ आज भी मिट्टी का प्रसाद ही मिलता है। यहाँ की रज को भगवान ने चाटा है, यहाँ की रज में भगवान डोले हैं, इसीलिए इसको ब्रज रज बोलते हैं, इसीलिए इसको सब माथे पे लगाते हैं। रज यानी मिट्टी, मुक्त कहा मिट्टी, मिट्टी को रज बोलते हैं हमारे यहाँ। मुक्त कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बताए, जो हम आप लोग को मुक्ति देने वाली है, भगवान से बोलती है सारे संसार का मुक्ति करती हूँ, हे गोविंद मेरा मुक्ति का मार्ग क्या है। तो भगवान ने कहा है ब्रज रज और मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति हो जाए, यहाँ की रज ब्रज की रज तेरे मस्तक लगेगी तेरा भी मुक्ति होगा, ये वो भूमि है जहाँ भगवान लेटे हैं, गऊ चराए हैं, सब भगवान की बाल लीला की जगह है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ये 84 खंभे बोले 84 जाते हैं, लेकिन गिनती को आज भी नहीं आते हैं, आप लोग गिनेंगे घटेगा या पड़ेगा, औरंगजेब भी नहीं गिरा पाया। छो प्राणी कारण बस या समय के अभाव में ब्रज 84 कोस में बसा हुआ है, इसको बोलते हैं ब्रज, जो 84 कोस के अंदर बसा हुआ है, इसी में मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना गोवर्धन कामवन ये सब इसी के अंदर आते हैं। इसका पाँव से रनिंग पैदल परिक्रमा होता है, देने वाले लोग तो नियम से करते हैं तो 40 दिन का टाइम लगाते हैं, देने वाले लोग 10 दिन में भी देते हैं, अधिक मास आता है हर तीसरी साल, पुरुषोत्तम मास जिसको बोलते हैं, उसमें आपको यहाँ मूड़ी मूड़ दिखेंगे परिक्रमा में 84 कोस की, इतना भयंकर परिक्रमा चलता है 84 कोस का। किसके लिए, 184 यौन भोगकर मानुष देही पाई और अब चेत है तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 आई, 84 लाख योनी उद्धार के लिए आदमी या ब्रज 84 कोस का परिक्रमा लगाते हैं। समय के अभाव में अथवा कारण बस जो प्राणी ब्रज 84 कोस परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, गोकुल आते हैं, ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं, भगवान का पीत वस्त्र पहन के 84 खंभे का परिक्रमा करने से उनको ब्रज 84 कोस परिक्रमा का फल प्राप्ति होता है, 84 बंधन मुक्ति होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अभी आपने आगे देखा था नंद भवन 84 खंभा, ये यशोदा भवन है। हमारे यहाँ लड़का बच्चा होता था ना तो अलग रूम देते थे, अलग जगह देते थे, उसको प्रसूति गृह बोलते थे, ये प्रसूति गृह का स्थान है, अब तो हॉस्पिटलों में होता है, लेकिन पहले अलग जगह देते थे, पर्दा लगा देते, वहाँ किसी लोग को जाने नहीं देते, सोवर की जगह बोलते थे, बच्चे पर परछाई नहीं पड़े। तो भगवान को यहाँ छुपाया वसुदेव जी, और यहाँ से योग माया, जो नंद जी के यहाँ कन्या उत्पन्न हुई थी यशोदा जी के गर्भ से, योग माया भगवान की याद शक्ति उसको पलटा करके ले गई,
कंस को दिया, कंस धोबी के हाथ से शिला को पछाड़ा, धोबी का दोनों भुजा उखाड़ा, धोबी का नाम वसु था, वसु धोबी का दोनों भुजा उखाड़ा, आकाश में आकाशवाणी हुआ, बिजली बना, विंध्याचल पे बिंदवासिनी जो देवी है वो यही योग माया का स्वरूप है, विंध्याचल पे बिंदवासिनी हुआ और गोकुल में पाताल देवी का रूप धारण किया। कंस को जवाब दिया, हे पापी कंस तू मेरे को क्या मारता है, तेरे मारने वाला कृष्ण गोकुल में झूला में झूलता है, और जब से लेके आज तक भगवान गोकुल में झूला में ही झूलते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गोरे गोरे नंद बाबा हैं, गोरी गोरी माता यशोदा जी है, थोड़ा और आगे आइए, बीच में भगवान के बड़े भाई बलराम जी हैं, और वो कोने में कृष्ण माखन चोर, चोर चोर के माखन खाया और गोकुल में नाम कृष्ण का माखन चोर कहलाया। बोलो माखन चोर भगवान की जय। ये कोने में भगवान की याद शक्ति है, सिंह की सवारी है, योग माया महामाया अंबे माता, और झूला में भगवान है, झुलाइए बैठ के ठाकुर जी को। राधे 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 राधे। तो हमारे साथ खुद कन्हैया जी थे और कन्हैया के बारे में बता रहे थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप अगर यहाँ कभी आए हैं तो वो भी मुझे लिख के बताइएगा कि यहाँ पे आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा। मेरा शानदार रहा, बस अपना अनुभव लिख जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, आप वीडियो देख रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।